हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मंगलवार का दिन है और बच्चों को चाहिए था आलू टोस्ट सैंडविच, और रात के थोड़े चावल रखे थे तो उसका फ्राइड राइस बना दिया। और यहाँ मैंने कपड़े सुखाए धो के, क्योंकि मेरी बेटी बाजू में कहीं पूजा थी तो उन्होंने बुलाया था, उधर चली गई थी। सुखाए तो थे लेकिन एक घंटे बाद ही बारिश आ गई। ये है आलू की चिप्स, मेरी बेटी ने फ्राई किया है और इसमें चाट मसाला, नमक और मिर्च डाल के सब के ऊपर लगा दिया है, अच्छे से लगाए कि अभी। और फिर इसको डब्बे में भर के रख देंगे। जब खाना खाते हैं ना बच्चे लोग तो एक एक दो दो ले लेते हैं, अच्छा लगता है खाने में। यहाँ फिर मैंने खाने की तैयारी की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दिल्ली किसी काम के लिए, तो उनको चाहिए भिंडी की सब्जी और सूखी दाल, तो मैंने उनको वही बना के दी। उनकी शाम को 5:30 बजे की ट्रेन है तो मैं लग गई थी 3:30 बजे, बना दिया था। और फिर ये सूखी दाल बनाई है, उसमें मिर्ची, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा कांदा डाला है, और हल्दी और धनिया पाउडर और हींग, और कुछ नहीं डाला है। और नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दिया तो स्टीम में वो अच्छे से बन जाएगी। ये भिंडी भी मैंने सिंपल ही बनाई है, इसमें खाली मिर्च डाली है और हल्दी और नींबू और नमक, बस वैसे ही चाहिए, मुझे भी ऐसी ही पसंद आती है। और थोड़ी देर में बन गई भिंडी, नींबू डाल दिया और हो गई। उसके बाद दाल भी बन गई थी, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और बाकी था, तो अभी इतना पानी रखूँगी क्योंकि ये ठंडी होने के बाद एकदम थिक हो जाएगी अपने आप। और इसको ये कोथमीर डाल के रख दिया, बंद कर दिया गैस। और मैं यहाँ टिफिन पैक कर रही हूँ, इसमें ये चिप्स डाल लिए, लेकिन जिया को तो काम करना ही है, वो तो बिना काम किए रह नहीं सकती, तो वो डब्बे में से निकाल निकाल के एक एक दो दो चिप्स डाल रही है। मैंने उसके हाथ से ले लिया क्योंकि उसमें मिर्ची है, उसकी आंखों में लग जाएगी। और मेरी बेटी ने पराठे सेक के दे दिए तो मैंने फटाफट टिफिन पैक कर दिया। ये हो गई शाम डिनर की तैयारी। आज तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा दिन मेरा खाना बनाने में निकल गया। थोड़ा सा काम किया इधर उधर का, फिर मार्केट गई, भाजी वगैरह लाई थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लाई। उसके बाद बच्चों ने बोला कि हम लोग को लहसुन का पराठा और बूंदी का रायता खाना है, तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। ये लच्छे वाला लहसुन का पराठा बनाया, थोड़ा लहसुन डाला और उसके ऊपर थोड़ा कोथमीर, हरा धनिया बोलते हैं ना, वो डाला और उसको बनाया।
बन गया पराठा, और ये हमारी थाली बूंदी का रायता, लहसुन का पराठा और आलू की चिप्स, और फिर मैंने मूवी देखी। गुड नाइट दोस्तों।